Hello everyone, welcome back to our channel Realty 360 Degree. This is me, Jolly Yadav, your property advisor. And guys, आज मैं आप सभी को नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन पर लेकर आई हूँ. आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं है, जो कि एक मिडिल क्लास सेगमेंट के लोग हैं एंड एक अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टी चाहते हैं. तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा ही प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ. आज की जो प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उसका नाम है रेडिकॉन वेदांतम. इसकी लोकेशन रहेगी सेक्टर 16 सी, नोएडा एक्सटेंशन. इस प्राइसेस की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जिस हिसाब से, जिस तेजी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनकी कोई टक्कर नहीं है. आए दिन यहाँ पर प्राइस रिवाइज होते रहते हैं एंड यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर हम एक नॉर्मल प्रॉपर्टी भी सर्च करने जाएं, तो हमें कम से कम अपनी पॉकेट में 70-80 लाख रुपीस चाहिए ही पड़ते हैं. बट अभी भी इस माहौल में एक प्रॉपर्टी अभी भी एक बच गई है, जो कि आपको काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट में मिल जाएगी. एंड प्राइस खैर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, प्राइस मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूंगी, बट बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टी है. सो नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता देती हूँ. तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके गौर सिटी सेंटर के बिल्कुल एडजॉइनिंग, जो पीछे आपका रोड आ जाता है, उसके हार्डली 800 मीटर्स के डिस्टेंस पर रहेगी. ये जो एरिया है, इसको गौर सिटी 2 बोला जाता है. सेक्टर 16 से इसकी लोकेशन रहेगी एंड यहाँ से आपको NH24 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है. 4 किलोमीटर से आपका ये NH24 शुरू हो जाता है एंड वहीं से आपको दिल्ली की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है. कालिंदी कुंज यहाँ से अराउंड आपके 20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. ग्रेटर नोएडा भी यहाँ से काफी नजदीक है, अगेन सेम डिस्टेंस पर आपका ग्रेटर नोएडा रहेगा. नोएडा इज राइट ओवर हियर. नोएडा आप यहाँ से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस में पहुँच जाएंगे. बात कर लेते हैं हम नेबरहुड की, तो गौर सिटी 2 पूरा डेवलप्ड सेक्टर है एंड यहाँ पर कई सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आज के टाइम पर मौजूद है. इनमें से 90% डिलीवर्ड है एंड लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं. रेडी टू मूव सोसाइटीज भी हैं यहाँ पर ज्यादातर एंड बहुत ही लिमिटेड अब यहाँ पर फ्रेश यूनिट्स हैं. बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको फ्रेश यूनिट्स ऑफर कर रहे हैं. ज्यादातर यहाँ पर प्रॉपर्टीज रीसेल की ही है. इनफैक्ट अगर मैं मॉल्स की बात करूँ तो इम्बार्क मॉल बिल्कुल यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पर है. गौर सिटी सेंटर, जस्ट कि मैंने आपको बताया, वो यहाँ से 2-3 मिनट की दूरी पर रहेगा एंड गौर सिटी सेंटर वाली पूरी लेन में आपको कई सारे और भी मॉल्स के यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं. कई सारे फूड जॉइंट्स के यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं. बार्स यहाँ पर काफी नजदीक है. कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स के भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. प्लस 6-7 यहाँ पर आपको स्कूल्स भी मिल जाते हैं नोएडा एक्सटेंशन में, जैसे कि विजडम ट्री, SKS, BLS, काफी सारे यहाँ पर स्कूल्स भी ऑपरेशनल रहेंगे, जो कि आपके बच्चे 5-10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस में पहुंच जाएंगे. सो ये जो लोकेशन है, ये नोएडा एक्सटेंशन की एक प्राइम लोकेशन है एंड रेडिकॉन वेदांतम ये आपका ऑन रोड प्रोजेक्ट है. 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी रहेगी. फ्रंट में इसके 100 मीटर वाइड रोड रहेगा एंड साइड में इसके 60 मीटर वाइड सेक्टर रोड है. गाइस, दैट वाज द लिटिल ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर और लेके चलती हूँ, प्लस हम साथ में और डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे, प्लस यहाँ पर एक एक्चुअल फ्लैट रेडी हो चुका है तो हम वो भी देखेंगे. गाइस, मैं आपको थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में बता देती हूँ. तो रेडिकॉन वेदांतम ये 5 एकर्स में डेवलप हुई सोसाइटी है. बेस्ट थिंग ये है कि ये रेडी टू मूव इन है. जी हाँ, रेडी टू मूव इन सोसाइटी रहेगी. इनफैक्ट इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट फेज इज डिलीवर्ड एंड यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज, अराउंड 300-400 फैमिलीज यहाँ पर ऑलरेडी मूव इन कर चुकी हैं. सेकेंड फेज आपका नियर टू पोजेशन है. मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ. ये जो मेरे पीछे वाले, सामने वाले टावर्स हैं, ये फेज 1 का पार्ट रहेंगे एंड यहाँ पर जो आप ये टावर्स देख सकते हैं, ये फेज 2 का पार्ट है. फेज 1 में आपके 3 टावर्स है, फेज 2 में 3 टावर्स है, साथ ही साथ फेज 3 जो कि 2025 में डिलीवर होगा, उसमें भी 3 टावर्स हैं. तो 3-3 टावर्स रहेंगे आपके तीनों फेजेस में. फेज 3 आपका ये रहेगा, जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है. पूरे प्रोजेक्ट में वैसे टोटल 10 टावर्स हैं. जो 10th टावर है वो आपका शुरुआत में रहेगा एंड वो पूरा टावर आपका कमर्शियल टावर है, जिसमें आपको ग्राउंड लेवल पर
कमर्शियल शॉप्स मिल जाती है। यहाँ पर अराउंड 100 कमर्शियल शॉप्स हैं जो कि आज के टाइम पे रेडी है एंड ऑक्यूपाइड है। काफी सारी शॉप्स यहाँ पर रनिंग स्टेज में है, प्लस ऊपर के फ्लोर से आपके स्वीट्स शुरू हो जाते हैं। स्वीट्स में एट प्रेजेंट कोई इन्वेंट्री नहीं है, पूरा कम्प्लीटली वो टावर सोल्ड आउट है। इनफैक्ट फेज वन में भी कोई इन्वेंट्री नहीं है, पूरा फेज वन सोल्ड आउट है। अभी जो मेजर इन्वेंट्रीज हैं वो आपकी फेज टू एंड आने वाले टाइम में फेज थ्री भी ओपन हो जाएगा। फिलहाल फेज टू में आपको 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं इन डिफरेंट साइजेस आपके स्क्रीन पर मेंशन है। एक फ्लोर पर आपका यहाँ पर 4 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा। इनफैक्ट जो सारी यूनिट्स है यहाँ पर वो सभी के सभी आपकी कॉर्नर यूनिट्स रहेंगी। अपार्टमेंट्स आपको रॉ अनफर्निश्ड कंडीशन में दिए जाएंगे, बट यस फिनिश्ड रहेंगे। सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ये सारी कंप्लीट रहेंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ की अमेनिटीज की, ग्रीन एरिया की, तो प्रोजेक्ट में 70% एरिया ग्रीन एरिया के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें से अभी फिलहाल सिर्फ 30% एरिया ही डेवलप किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन फिलहाल चल रही है। तो 30% एरिया इन फ्यूचर डेवलप होगा। थोड़ा सा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, काफी सारी ग्रीनरी यहाँ पे प्लांट कर दी गई है। विद दैट जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो सारा ग्रीनरी और भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्लब हाउस भी रहेगा, 20,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस है। क्लब हाउस में आपकी सारी बेसिक अमेनिटीज रहेंगी, जैसे बैंकेट हॉल, कैफेटेरिया, इंडोर गेम्स, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। तो आपको क्लब हाउस भी मिल जाता है, उसके साथ साथ आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज भी रहेंगे। बच्चे भी आप देख सकते हैं, किड्स प्ले एरिया डेवलप हो चुका है जिसमें बच्चे काफी मजे ले रहे हैं फिलहाल। एंड काफी सारे प्लांट्स भी, ट्रीज भी यहाँ पर प्लांट हो चुके हैं। वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है, आप देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर का ये रोड काफी अच्छी विड्थ के साथ आ जाता है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है। इनफैक्ट मेन गेट की भी हम बात करें तो वहां पर भी आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही है, 3-tier सिक्योरिटी है। साथ ही साथ 24/7 आपको सिक्योरिटी गार्ड की भी फैसिलिटी मिल जाती है। सो गाइस, ये तो था सोसाइटी का ओवरव्यू। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के एक्चुअल फ्लैट में। यहाँ पे जो भी मैं आपको फ्लैट दिखाने वाली हूँ वो आपको इसी कंडीशन में डिलीवर किया जाएगा, बट यस अभी थोड़ा सा काम उसमें चल रहा है, पूरा कम्प्लीट नहीं है। तो जो अभी आप देखेंगे उसमें थोड़ी सी अभी गंदगी है, बट जब आपका डिलीवर होगा, जब आपको वो फ्लैट हैंड ओवर किया जाएगा, तब वो पूरी फिनिश्ड कंडीशन में दिया जाएगा। चलिए एक्चुअल फ्लैट में आपको दिखाती हूँ। एंड गाइस, अभी मैं फ्लैट के लॉबी एरिया में आ गई हूँ। एक फ्लोर पर आपके इन टोटल 4 फ्लैट्स रहेंगे, जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास 2 लिफ्ट का प्रोविजन रहेगा, प्लस स्टेयरकेस रहेगी। एंड अभी मैं आपको एक एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाली हूँ जिसका साइज रहेगा 1099 स्क्वायर फीट। इट इज अ 2 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट एंड ये रहेगी इसकी मेन एंट्रेंस। लेट्स गेट इनसाइड। सो गाइस, ये रहेगी मेन एंट्रेंस एंड जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं यहाँ पर आ जाता है आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। दिस एंटायर स्पेस इज फॉर योर लिविंग एंड डाइनिंग एंड ये आपका एक्चुअल फ्लैट रहेगा। एक्चुअली अभी फिलहाल ये थोड़ा सा अनफिनिश्ड कंडीशन में है, अभी भी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। तो जब ये आपका डिलीवर होगा तब आपको पूरा कम्प्लीट फिनिश्ड फॉर्म में ये डिलीवर किया जाएगा। सो लिविंग एंड डाइनिंग के बिल्कुल साथ रहेगा आपका स्टडी एरिया, जिसे कि आप एज अ स्टडी एरिया या फिर पूजा रूम की तरह यूज कर सकते हैं। विद दैट आपको लिविंग एरिया में एक बालकनी भी मिल जाती है, जो कि आपकी प्राइवेट बालकनी रहेगी। एंड हियर इज द किचन। किचन आपकी इस तरीके से रहेगी। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, ये अभी फिलहाल फिनिश्ड कंडीशन में नहीं है, काफी सारा काम अभी इस फ्लैट में बाकी है, बट जब आपको ये दिया जाएगा तभी आपको पूरी फिनिश्ड कंडीशन में दिया जाएगा। अभी फिलहाल आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो किचन है ये आपकी यूटिलिटी एरिया के साथ आ जाती है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है एक छोटा सा पैसेज, तो मेरे राइट हैंड साइड पर रहेगी आपकी कॉमन वॉशरूम, जिसे कि आप लिविंग एरिया एंड बेडरूम्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। एंड बेडरूम नंबर 1 व्हिच कम्स इन अ वेरी डिसेंट साइज। ये आपका बेडरूम आपके पास रहेगा वार्डरोब का स्पेस, प्लस इस बेडरूम में भी आपको एक अटैच बालकनी मिल जाती है फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन एंड फ्रेश एयर। Of this flat, ये भी आपका काफी decent size में आ जाता है। यहाँ पर आपका रहेगा wardrobe का space,
प्लस इस बेडरूम में आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाती है जो कि आपकी सारी सैनिटरी फिटिंग्स के साथ कंप्लीट आएगी। प्लस यहाँ पर भी आपको बालकनी का प्रोविजन मिल जाता है, ये आपकी अटैच बालकनी रहेगी जिससे आपको बाहर का काफी अच्छा व्यू मिलेगा। So guys, that was all about our today's project, Radicon Vedanta. आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। गाइस, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो कि बजट फ्रेंडली, जिनका बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लिमिटेड बजट है, ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है। प्राइस मैं आपको रिवील कर देती हूँ, तो यहाँ का इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है विद ओनली 53 लाख। यस, आपको गौर सिटी 2 की प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी आपको मिल रही है विद जस्ट 53 लाख। जी हाँ, काफी ज्यादा ये बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। अगर इनफैक्ट मैं इसको इसके एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट के साथ में कंपेयर करती हूँ तो इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग एक्सोटिका प्रोजेक्ट है जहाँ पर आज के टाइम प्रीसेल प्रॉपर्टी की वैल्यू अराउंड 70-75 लाख है। वही अगर हम इसकी बात करते हैं, रेडिकॉन वेदांतम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रेश यूनिट मिल रही है इन जस्ट 53 लाख। इस लोकेशन की प्रॉपर्टी इतने कम बजट में आपको यहाँ पर कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं ऑफर कर रहा है। सो बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, सारी अमेनिटीज आपको मिल रही है, काफी ओपन एरिया है, प्लस ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। जी हाँ, 5 एकर्स में आपको काफी कम यहाँ पर यूनिट्स मिल रही है। इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्ट की मैं यूनिट्स की बात करूँ तो सिर्फ 700-800 यूनिट्स की है जो कि नोएडा एक्सटेंशन के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। प्लस कनेक्टिविटी इज जस्ट ऑसम, यहाँ से आपको कनेक्टिविटी हर जगह की काफी अच्छी मिल जाती है, बी इट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली और गाजियाबाद, सारी जगह आप यहाँ से हार्डली 10 से 20 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस में पहुँच जाएंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑल नियर बाय। मॉल्स की तो आप बात ही मत करें, मॉल्स तो आपको एक से बढ़कर एक यहाँ पर 5 मिनट के रेडियस में मिल जाते हैं। सो कनेक्टिविटी इज सुपर, प्राइसेस आर अमेजिंग, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, शॉपिंग एरिया आपको यहाँ पर ऑपरेशनल मिल जाता है, आपको बैंग ऑन मेन रोड की प्रॉपर्टी है। इस लोकेशन पर इतने कम बजट में आपको कहीं और प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आप एक 2 BHK या 3 BHK प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं नियर टू पोजेशन सेगमेंट की, तो आप ये ले सकते हैं। एंड एंड में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि नोएडा एक्सटेंशन में रजिस्ट्री का इश्यू थोड़ा सा चलता है, तो जो रेडिकॉन वेदांतम है यहाँ पर आपको सबलीज मिल जाती है विच इज इक्विवेलेंट टू रजिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको उस चीज का इश्यू नहीं होगा विच इज अ मेजर प्लस पॉइंट ऑफ रेडिकॉन वेदांतम। सो गाइस, फॉर प्लानिंग अ प्रॉपर्टी इन नोएडा एक्सटेंशन देन यू शुड विजिट रेडिकॉन वेदांतम एटलीस्ट वंस। आप यहाँ पर विजिट शेड्यूल करा सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके, प्लस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर अगेन ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।